नहीं है अभी। चलो आराम सोच के बताइए, बोल दो। नीलम्बर, बिलिया, नीलम्बर और कोलाइडल में अंतर समझा दो। बिलियम समांगी मिश्रण है, नीलम्बर विषमांगी मिश्रण है, कोलाइडल विषमांगी मिश्रण है। बिलियम अस्थाई होता है, नीलम्बर अस्थाई होता है, कोलाइडल अस्थाई होता है। नीलम्बर बिलियम 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बिलियम 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, नीलम्बर 2 नैनोमीटर से बड़ा होता है और कोलाइडल 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। बिलियम प्रकाश को फैलाता है, बिलियम प्रकाश को नहीं फैलाता, नीलम्बर प्रकाश को फैलाता है और कोलाइडल प्रकाश को फैलाता है। आगे बोलो बिलियम क्या है। बिलियम दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियम कहते हैं। कई प्रकार के, तीन प्रकार, तीनों का नाम बोलो। संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। आगे बोल दो मिश्रण क्या है। मिश्रण वैसा मिश्रण जो एक निश्चित अनुपात पर, मिश्रण पूछ रहे हैं मिश्रण क्या, दो या दो से अधिक मिश्रण के अनुपात पर मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ कोई भी अनुपात में मिले होते हैं। बोलो मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु वैसा धातु जिस धातु का कितना गोरा होता है, समांगी मिश्रण करनी है। एग्जांपल बोलो तो मूल बिंदु का नियम बोलो। जीरो कोमा जीरो। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी सूत्र। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी सूत्र अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु कब बनेगा, कौन कौन काटेगा तब। X नियामक, Y नियामक। X नियामक, X अक्ष और Y अक्ष। X अक्ष दूरी क्या कहलाएगा। Y नियामक दूसरा नाम। Y नियामक का कोटि। Y अक्ष दूरी। X नियामक। X नियामक दूसरा नाम। भुज। दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र बोलो। बिंदु का अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से बोल दो बढ़िया तो साफ साफ। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर x लगाए दिया बार, फिर से बोलो बढ़िया साफ साफ एकदम। लाइन लिख देते हैं। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + b बार is equal to 0। फिर से बोलो एक चर वाले का, बोलो ना, बोलो ax + b बराबर 0। काय हल, एक हल आलेख या ग्राफ। सरल। पूछेगा घात कितना, एक घात। बोल दो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c बराबर 0। काय हल, हल अनेक। आलेख या ग्राफ। सरल। घात कितना, एक घात। पूछेगा ax बराबर 0 उसका आलेख या ग्राफ। x बराबर 0 समीकरण, y का समीकरण और y बराबर 0 x का समीकरण। y का मान दे देगा प्लस या माइनस क्या बोलेंगे। y का मान तो y x का समानांतर और x का मान देगा प्लस माइनस y का समानांतर और x बराबर रहेगा y तब 0 मूल बिंदु। मूल बिंदु आगे बोल दो।
और मैं तो क्या पढ़ाई थी। अच्छा बोल दो, सोच बताएगी ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो बोले कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? जीरो। आप पूछ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, थ्री ए बी। फिर से बोलो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो वहां से बोल दो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? थ्री ए बी सी। तो बड़े से बोलो ना, तो थ्री ए बी सी लगन बोलो। आपने सुना कि आपने बोली ऐसे बोलो कि लगे वाला कि हाँ आके सुना रहा है, इन्हें कहेगा कि कंफ्यूजन में है। बोलो ए प्लस बी के और स्क्वायर बोलो। परमाणु संख्या बोल दो। ये क्या हुआ? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और संकेत के साथ बोलो। तरीके से तो और नहीं आता है, हम याद करते हैं। क्या याद करेगा? कर लेंगे। कहिया कर लेंगे। हाँ पूरी हो जाएगी तब कहिया। ठीक है कर लेंगे। चलिए 50 तक बोलो। आज नहीं है 50 तक हमें गए आज तो मॉर्निंग देते याद करेंगे, लेकिन हम याद कर जाती है इतना दिन में कैसे याद कर ली? आज दे रहे कई महीना हो गया जी, पाँच महीना हो गया, पाँच महीना में सुनते आंटी एक का याद करिएगा। हम दो महीने पहले वीडियो कितना गौर बनाए थे सर। चलो काट दो, समझाइए लेकिन बढ़िया से समझाइए, अगर समझाती बढ़िया से सॉल्व कर पढ़ाई।